हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों का काफी डाउट था, कुछ लोग कॉल करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पे, काफी जगह मुझसे पूछे गए हैं कि पैरामेडिकल का काउंसिलिंग कब से होगा सर। जैसे कि आज 1 अगस्त या 2 अगस्त हो चुके हैं, तो पैरामेडिकल का काउंसिलिंग कब से होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, मैं इस वीडियो में सारा कुछ बताने वाला हूं और कंफर्म डेट आपको एक्सपेक्टेड डेट बता दूंगा और उसी डेट से पैरामेडिकल का काउंसलिंग शुरू होने की संभावना रहेगी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि पैरामेडिकल का काउंसलिंग कब से होगा। देखिए पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड है, मैं जानता हूं कि देखिए सबसे पहले आईटीआई का काउंसलिंग होता है। मेरी बातों को समझना, अब आईटीआई का क्यों बता रहे हो सर, तो इसको इसलिए समझना जरूरी है। देखिए आईटीआई का काउंसलिंग होता है और इसके कुछ ही दिनों के बाद आपका पॉलिटेक्निक का भी काउंसलिंग शुरू किया जाता है। तो जैसा कि आईटीआई का काउंसलिंग शुरू था, अब खत्म भी होने वाला है, शायद खत्म भी हो गया हो। पॉलिटेक्निक का भी काउंसलिंग हो रहा था, अब खत्म भी हो गया हो, या आज या कल में खत्म हो जाएगा। तो अब इसका काउंसलिंग खत्म हो गया, अब इसका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा। इसका जब एडमिशन शुरू होता है ना, तब पैरामेडिकल का क्या होता है, काउंसलिंग के लिए अपडेट आता है, नोटिफिकेशन आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अभी पॉलिटेक्निक का जो सीट अलॉटमेंट लेटर है, वो 5 तारीख को आएगा, शायद 11 या 12 तारीख को आने वाला है। मैं लगभग यही डेट है, 1 सप्ताह के बाद एक दूसरा राउंड का सीट अलॉटमेंट आता है। 5 तारीख को पहला आएगा, दूसरा 12 तारीख को आएगा, अगस्त में ही आएगा ये, और उसके बाद फिर एडमिशन होगा। तो हम ये कह सकते हैं पिछले साल भी ऐसा ही कुछ देखा गया था, पिछले साल थोड़ा लेट किया गया था पॉलिटेक्निक का भी काउंसलिंग और आईटीआई का भी काउंसलिंग, पिछले साल लेट हुआ था, बट इस बार पहले किया जा रहा है और आपका सेशन जल्दी से शुरू हो, इसलिए इस बार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द काउंसलिंग होने के बाद एडमिशन ली जाए। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही मैंने बोला था, बट ये जान लो कि एडमिशन और काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग होता क्या है, तो चॉइस फिलिंग होता है जिसमें आपको कॉलेज चुनने होते हैं। ठीक है, तो ये जो काउंसलिंग है, जो चॉइस फिलिंग है, ये तो शुरू होगा, आज हो कल हो परसों हो, पर शुरू तो जरूर होगा। एडमिशन क्या इतना जल्दी हो जाएगा, अक्टूबर में कुछ लोग बोल रहे, सितंबर में, इतना जल्दी एडमिशन नहीं लेगा। जान लो अगर एडमिशन की बात करें तो एडमिशन आपका भी होगा ही नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग जो है ना, वो काउंसलिंग कब से होगा सर, काउंसलिंग कब से होगा, तो मैं बता दूं कि पैरामेडिकल का जो काउंसलिंग है वो कब से होने की संभावनाएं हैं। तो मैं बता दूं कि पैरामेडिकल का जो काउंसलिंग है, अभी देख लोगे तो अभी 5 तारीख और 12 तारीख दो डेट है, जो 5 तारीख और 12 तारीख को तो अभी क्या आने वाला है, फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर और सेकंड सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, उसके बाद एडमिशन होगा। तो समझ लो कि अगस्त में काउंसलिंग पैरामेडिकल का होगा या नहीं, ये बता दो सर। क्यों बात को घुमा रहे हो सर आप भी सर, देखो मैं बता देता हूँ, पैरामेडिकल का जो काउंसलिंग है 15 अगस्त है, तो संभावनाएं काफी ज्यादा है कि एक्सपेक्टेड, मैं बता दे रहा हूँ आपको कि काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। और जहां तक मेरे को जानकारी मिली है कि 15 अगस्त के बाद कुछ नोटिफिकेशन इस पर आ सकती है, अब बीच में आपका रक्षाबंधन भी पड़ जाता है, तो हो सकता है कि रक्षाबंधन के बाद ही नोटिफिकेशन आए, पर इतना मैं गारंटी आपको दे कर जाता हूँ कि आपका नोटिफिकेशन अगस्त मंथ में ही आएगा। जैसे 19 तारीख को या 18 तारीख को शायद रक्षाबंधन है, जो भी है रक्षाबंधन है, तो समझ लो कि आपका नोटिफिकेशन 21-22 तारीख तक दे देगा, बहुत लेट भी करेगा तो 21-22 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन दे देगा बिहार बोर्ड, डीसीसी बोर्ड जो आपकी है डीसीसी, वो नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं आपको दे देगा 21-22 अगस्त तक। और आपका जो काउंसलिंग है वो अगस्त के लास्ट वीक में शुरू होगा, यानी समझ लो 26-27 अगस्त से शुरू होने का काफी ज्यादा चांस है, और ये जो काउंसलिंग है सितंबर तक चलेगा। सितंबर में फिर आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, सेकंड सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, इसी में आपका ले लेगा। समझ लो 5 सितंबर को आया फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर, सेकंड आपका आ जाएगा 12 सितंबर को, फिर समझ लो कि डीवी होगा, मान लो 15 सितंबर तक सब काम निपटा लेगा, 15-20 तारीख तक डीवी वगैरह हो जाएगा, तो मान लो कि अक्टूबर से कुछ कुछ कॉलेज एडमिशन लेना शुरू कर देगा। तो क्या एडमिशन के तुरंत कॉलेज ज्वाइन करना होता है, हॉस्टल ज्वाइन करना होता है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है, समझ लो कि आपका एडमिशन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक लेगा कुछ कुछ कॉलेज,
है ना, हर कॉलेज एक साथ एडमिशन नहीं लेता है। तो आपका मान लो कि जो एडमिशन की प्रक्रियाएं हैं वो अक्टूबर से लास्ट में शुरू होगा, जो कि आपका दिसंबर जनवरी तक चलेगा। सेशन लेट ही चलता है 2 महीने 4 महीने इसका, ये कोई बड़ी बात नहीं है पैरामेडिकल। तो लेट आपका होगा, थोड़ा सा लेट होगा, विलंब होगा। और जो लोग बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगस्त में आपका नोटिफिकेशन अपडेट जरूर आएगा, काउंसलिंग के रिलेटेड अपडेट जरूर देगा, भले थोड़ा सा लेट दे पर अपडेट आएगा। और काउंसलिंग आप लोगों का जो है वो शुरू होगा। देखियो 15 तारीख के पहले तो कोई संभावना नहीं है कि कोई नोटिफिकेशन भी आने वाला है पैरामेडिकल का। और जो लोग हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मुझे सरकारी कॉलेज मिले, जो सरकारी कॉलेज का सपना देख रहे हैं कि नहीं मेरा रैंक ज्यादा भले आ गया है, पर मैं भी चाहता हूँ कि सर आपके द्वारा करवा के मुझे एक सरकारी कॉलेज में सीट मिले, तो आप हमसे काउंसलिंग करवाते हो तो काफी ज्यादा चांसेस बनते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज में सीट दिला सकते हैं, दिलाया जा सकता है। अगर अच्छा रैंक है तो अवश्य आपको मिल जाएगा, ज्यादा रैंक है फिर भी कोशिश की जाएगी। अगर वैकेंट सीट होगा तो आपको मॉपअप के लिए अप्लाई करवाया जाएगा। तो अगर ज्यादा रैंक है फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना है, काउंसलिंग के लिए चॉइस क्लिंग में आपको जानी है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो आप लोग समझ गए कि 15 अगस्त के पहले तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है। कोई भी नोटिफिकेशन अगर आएगी तो 15 अगस्त के बाद ही आने की संभावनाएं बनती है। अब हम लोग बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो देखिए चॉइस फिलिंग में ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं लिए जाते हैं, बट अगर आप कहीं पे काउंसलिंग करवा रहे हैं, अगर आप हमसे करवा रहे हैं तो कम से कम आपका रैंक तो देखेंगे ना, रैंक के अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग करेंगे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सर काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं बता दीजिए, तो काउंसलिंग में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, रैंक कार्ड भी नहीं लगेगा, वो सिर्फ रैंक देकर आपका कॉलेज के लिए चॉइस करना होता है, चॉइस फिलिंग होता है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के समय तो नहीं लगने वाली है। अब आप लोगों का सारा डॉट क्लियर हो गया होगा कि हाँ काउंसलिंग में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, काउंसलिंग में आपको चॉइस फिल करना होता है, सारी कॉलेज को चुनना होता है। उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आता है, फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर, सेकंड सीट अलॉटमेंट लेटर, उस पर एक अलग से वीडियो बनेगा, जब आएगा तो बनेगा। इसलिए तो बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए और अपना रैंक कार्ड चेक करवाइए, बताइए और बोलिए कि मुझे काउंसलिंग करवाना सर, अपना सीट बुक कर लीजिए और सीट बुक करके एक टोकन आईडी ले लीजिए। जरूरी है टोकन आईडी रखिए कि हाँ मेरे इतने नंबर पे है, जब काउंसलिंग होगा तो आपको कॉल जाएगा और कॉल ऑन काउंसलिंग किया जाएगा, और उसके बाद आपको रिसीविंग भी दे दिया जाता है हमारे तरफ से। तो जरूर काउंसलिंग करवाइएगा, अगर ज्यादा रैंक आ गया फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक सरकारी कॉलेज में सीट मिले। और हाँ, वैसे लोग बिल्कुल कॉल या मैसेज मत करना जो गारंटी लेना चाहते कि सर गारंटी लोगे, भाई गारंटी तो किसी चीज की नहीं है भाई, 200-400 रुपए की सामान है, बताओ गारंटी तो जिंदगी की नहीं है, तो फिर इसकी गारंटी हो सकती है, नहीं हो सकती। आप फिर मेरे को कॉल मत करो भाई वैसे लोग, ठीक है। अगर आपको करवाना है साइबर में करवा लो, 100 रुपया में हो जाता है। चलिए ठीक है, तो अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, जिनको इच्छा है, ठीक है। चलिए तो ठीक, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। काउंसलिंग बहुत जल्द शुरू होगा, जैसे ही शुरू होगा आपको सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। और एक बात कहनी है, प्यार करते हैं आप लोगों से, सब्सक्राइब करें।